शुक्रवार को अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विद्युत विभाग व जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कोयलों को पुलिस प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं ले जाने देने पर बाहर लगे गहलोत के पोस्टर पर कोयलों से काली पोती गई। भाजपा जिला अध्यक्ष राधालाल तेली के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग व जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मानव श्रृंखला बनाई और गहलोत हाय हाय के नारे लगाए। इस दौरान कलेक्ट्रेट के समीप लकड़ी को जलाकर कोयले बनाए गए ताकि कोयले की कमी बताने वाली गहलोत सरकार को कोयले भेंट किए जा सके, लेकिन कोयलों को पुलिस प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं ले जाने देने पर बाहर लगे गहलोत के पोस्टर पर कोयलों से काली पोती गई। मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि आप देखो मेरी देखो आपका सम्मान उनका सम्मान सबका हमारा कर्तव्य जो अंदर था आपने मना किया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। चलो चलो हो गया एजेंडा पुलिस आपका लेवल भी नहीं लेते थे, विधायक को नहीं जाने देते थे, हम तो भाई भाजपा साहब एमएलए को नहीं जाने देते पधारिए राजस्थान में पिछले तीन दिन से जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है और जो आदेश राजस्थान की सरकार ने जारी किए हैं और उसके कारण आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ तो महसूस कर रही है, उसी के साथ में जिस तरह का धोखा हुआ है और जिस तरह की बिजली कटौती के नाम से जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उसी बात को लेकर राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज पूरे जिले के अंदर सभी मंडलों केंद्रों पर और बिजली के ग्रिड स्टेशनों पर यह प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन दिया गया है, धरना दिया गया है। और इस धरने के माध्यम से राजस्थान की सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बिजली कटौती को बंद नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की होगी, गहलोत सरकार की होगी। इसी के साथ में अन्य कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, पानी है और भी कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन जो दिया जा रहा है, जिसके पिछले दिनों देखा है आपने, चार बुजाजे की बारात को रोका गया था, हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको मान्यता नहीं दी जाती है, उन पे स्वीकृति नहीं दी जाती है, ऐसे कई विषयों को लेकर भी आज ज्ञापन दिया जा रहा है। और उसके अंदर भीलवाड़ा जिले के सभी जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारी मंडल तक शामिल हैं। हम इस माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वो जल्दी से राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपना रवैया अपना रही है वो बदल ले, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया है और हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाई है, चाहे बिजली के मामलों में पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, मुकदमे दर्ज किए हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है। सर
राजस्थान के अलावा भी और कई अन्य देश अन्य प्रदेशों में भी है लाइट बंद, तो उसके लिए क्या करना है? जैसे यूपी में भी रहती है, अभी चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखो वहाँ का संगठन उस बारे में क्या कर रहा है वो जाने, हम राजस्थान की जानते हैं, हम भीलवाड़ा की जानते हैं। भीलवाड़ा के अंदर जो कटौती हो रही है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नेता मुखिया अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कहा था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे और बिजली अच्छी देंगे। अच्छी देना तो छोड़ो, भाव बढ़ा दिए और बिजली कटौती की जा रही है, तो निश्चित तौर पर धोखा है और इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आज हमने राजस्थान प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देशानुसार बिजली कटौती की जिस तरह से समस्या हो रही है उसको लेकर पूरे जिले के अंदर सभी मंडलों पर धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कोयले की कमी है, कोयले की कमी है, तो भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा ने सोचा कि क्यों नहीं इस कोयले की कमी को दूर किया जाए। भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लकड़ी जलाई, कोयला बनाया और पैकेट बनाए, और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम गहलोत जी को ये कोयले के पैकेट पहुंचाना चाह रहे थे ताकि कोयले की समस्या दूर हो सके और बिजली मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने हमको ज्ञापन देने से इनकार कर दिया, कोयला भेंट करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद में पार्टी के सभी आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जो गहलोत जी को प्रतीकात्मक सीधे तौर पर ये कोयले भेंट किए हैं और उनको सीधा हाथ में दिए हैं। और मैं सोचता हूँ गहलोत जी में थोड़ा बहुत भी कुछ होगा तो राजस्थान की जनता के लिए चिंता करेंगे और जनहित में बिजली की समस्या से जो जनता जूझ रही है उसके लिए वो कुछ अच्छा मैनेजमेंट करेंगे और बिजली दिलाएंगे। सर आपने उनके पोस्टर पे कालिक पोती है, सिर्फ क्या? देखिए कालिक नहीं, ये कोयला है और कोयला हम जब भेंट करना चाह रहे हैं, प्रशासन नहीं देना चाह रहा है, गहलोत जी के नाम हमारे पैकेट बने हुए हैं और जब नहीं है तो गहलोत जी हमारे सामने खड़े हैं, तो हमने कहा गहलोत जी जब आ ही गए हैं तो उनको कोयले ही दे देते हैं, तो कोयले उनको भेंट किए हैं, कोयला उनके नज़रों में दिखाया है कि भैया कोयले हैं यहाँ पर राजस्थान में, आप अच्छा मैनेजमेंट करिए, कोयला मिलेगा और बिजली भी मिलेगी। राजस्थान प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है और ये जो सरकार है ये सरकार निष्क्रिय, निकम्मी और दिवालिया सरकार है। इसके पास न कोई व्यवस्था है न कोई विजन है। इस तरह का जो बिजली का इन्होंने बिजली बिल माफ करने के बहाने जिस तरह से बिजली की कटौती चालू की है, और बिजली बिल तो जब जाने कब माफ होंगे, बिजली गायब कर दी है राजस्थान से, और ऐसी भीषण गर्मी में जब जनता त्राई त्राई कर रही है, इस तरह की बिजली कटौती होना जनता के साथ विश्वासघात है। इस बिजली पानी और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जो अव्यवस्थाएँ राजस्थान में है, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हो, चाहे और अन्य मुद्दे हो, महिला अत्याचार हो, इन सब मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है और हर मंडल स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है। हम हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर साहब को, हम मुख्यमंत्री को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि चेत से के तो चेत, समय तो निकलता जा रहा है,